लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के असावटी गांव के बूथ नंबर 88 पर हुई बूथ कैप्चरिंग के बाद चुनाव आयोग ने इस बूथ पर 19 मई को फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए। इसको लेकर हमने बूथ नंबर 88 पर अपना मत का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं से बातचीत की। मतदाताओं की मांग है कि इस बार पिछली बार की तरह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोगों का कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम भी होने भी ज़रूरी हैं। आपको बता दें कि बूथ नंबर 88 पर 1270 मतदाता अपना कीमती वोट डालेंगे। प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि वो मतलब सुरक्षा पूरी तरह से हो और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो अंदर बूथ में अंदर ना घुसें। एजेंट होते हैं लेकिन उनको उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए कि भाई एजेंट मतलब ज़्यादा बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहे हों। और आपका जो है इस बार सुनने में आया है कि यहाँ पे अति संवेदनशील के उसमें यहाँ पे वोटिंग होगी, तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो है हमें सुरक्षा पूरी मिलेगी। और जो लोग वाग पिछली बार थोड़ा डर रहे थे बाहर निकलने में वोट डालने में हिचकिचा रहे थे, वो शायद अब आ जाएं। पूरी संख्या बढ़ सकती है मतदाताओं? हाँ जी, पूरी उम्मीद है कि बढ़ जाए, लेकिन इस जो भी ये चीज़ हुआ उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। हो सकता है अभी भी कुछ लोग डरें कि कहीं झिझकें कि कहीं दोबारा से हमारे साथ कुछ ऐसी वारदात ना हो जाए। हम चाहते हैं जी हम वोट डालेंगे, अपनी खुशी से गेलेंगे, अपनी मर्जी से डालेंगे, जहाँ भी डालेंगे। हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और हमारे लिए पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोग बस अभी यही चाहते हैं कि जिस तरह पहले से वो दबंगई हुई थी उस तरह की कोई भी दबंगई ना हो और हमें पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और जिस तरीके से पहले जो इनके एजेंट वगैरह लगे हुए थे जिस तरह की वो लोग कर रहे थे वहाँ पे हरकत, ऐसा कुछ नहीं हो। और हमारी जो मेन सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी वो यही रहेगी कि इस बार तो हम लोग वोटिंग के लिए पहले वाले बूथिंग में ही हम लोग जाएंगे, लेकिन अलग से आगे से हम लोगों को अपनी कास्ट के लिए अलग से जो है वोटिंग के लिए बूथ मिले।